स्कूल बंद छे चालू छे कते दिन से बंद छे बाबू? 3 महीना से तोरा के कहाँ पढ़े छे? पढ़ाई लिखाई बंद छे? साल जो है बाढ़ का पानी आता है जिसके चलते बाढ़ बहुत भयंकर होता है जिसके कारण जो है स्कूल सब में पानी चला जाता है और उसी वजह से जो है ना पढ़ाई बंद। इस दिशा में आपने आज तक कोई पहल किया है? बच्चे को पानी के कारण जो पढ़ाई बाधित होती है तो उसकी पढ़ाई सुचारू रूप से चले, आपने पदाधिकारियों से संपर्क किया कभी? आवाजाही करने के लिए सड़कें हैं यहाँ? नहीं, सड़क नहीं है यहाँ पर, यहाँ तो नाव की सारा ही। प्रखंड से लेके जिला तक मतलब दूरभाष पे और लिखित भी आवेदन दे चुके हैं कि इन लोग का एकमात्र साधन जो कि अभी इधर से आप लोग आए एक रोड है जो कि आज तक मतलब बहुत दिन से टेंडर हो रहा है, कैंसिल हो रहा है सुनने के लिए मिल रहा है, लेकिन धरातल पे आज तक मतलब वो रोड 15-20 साल से बन ही रहा है। या जो पुल बन रहा है यह भी पुल 3 साल से बन रहा है जो कि 2 साल में ही इसका बनना था, 1 साल मतलब बिफोर हो गया। विद्यालय में जो पानी चली जाती है बच्चे का शिक्षा व्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ता है, इस संबंध में अपने पदाधिकारियों से क्या भरोसा लिया? शिक्षा विद्यालय के संबंध में भी चर्चाएं हुए और जिला में भी बैठक में भी चर्चाएं हुई कि मनरेगा से मतलब यहाँ जो कि विद्यालय का स्तर जो है ऊंचा किया जाएगा और यह बाढ़ अब की बार जो बाढ़ है मतलब यह समय से के बाद जिस समय में बाढ़ आना चाहिए था उस समय नहीं आया और समय के बाद यह बहुत विकराल रूप में बाढ़ आया है जिससे कि यहाँ का आवागमन और जनजीवन भी अस्त व्यस्त है। आप अध्यक्ष हैं इस वार्ड के, आप हमें ये बताएंगे कि प्रति वर्ष बाढ़ यहाँ आती है और बच्चे का शिक्षा चौपट हो जाता है, इस दिशा में कोई ऐसा ठोस पहल के लिए प्रयास किया गया कि बाढ़ के कारण बच्चे का पढ़ाई बाधित नहीं हो? क्यों नहीं किया आप प्रयास? नहीं, जनप्रतिनिधि हैं आप, वार्ड के अध्यक्ष हैं, आपको लोगों ने चुना है, इन लोगों की पढ़ाई की समुचित व्यवस्था के लिए आपकी भी एक जवाबदेही बनती है, आपने क्यों नहीं पदाधिकारियों से संपर्क कर इस दिशा में पहल किया? पहल किए तो अगला बार SDO साहब भी आया था, वो नाव दे दिया फरमाना बच्चा को खुलो दो। नाव से बच्चे पढ़ने पढ़ तो नहीं लगे ना, बाकी कोई व्यवस्था नहीं किया इसका, तो कोई वैकल्पिक ठोस व्यवस्था की जानी चाहिए कि नहीं की जानी चाहिए? ये चाहिए जरूर। आप लोगों को पहल करना चाहिए था कि नहीं? जनप्रतिनिधियों को आगे आना चाहिए कि नहीं? आना चाहिए। तो हम उपेक्षा करेंगे कि अगली बार के बाढ़ में बच्चे पढ़ेंगे, आप इस दिशा में पहल करेंगे? दिक्कत माल जाल मनुष्य सब चीज के खाने पीने सब चीज के दिक्कत है, घर पर सब गिर गया। आपको पीने का शुद्ध पेयजल का व्यवस्था नहीं है? ना, मनुष्य पालते हैं। हाँ, उसको खाने पीने की व्यवस्था नहीं है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, सरकार के जो अधिकारी आते हैं, वो क्या क्या बोल के जाते हैं? सब चीज लिख कर ले जाए छे, हमरा के कुछ दे थई पौरो घर गिरले, पौरो घर के लिख ले, ना लिख के ले अगले साल के ले 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 सब दे सर ले 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 हम अपन घर का फोटो जाने आने में क्या दिक्कत? क्या तो बहुत खूब होता है, बच्चा लोग से मिल में गया का खाए रहे बच्चा ठीक है, मिल रहे हम चिंता अच्छा ला रहे हैं रोजगार कर रहे हैं और पखना सब चीज के दिक्कत छे। बहुत समस्या है, बहुत समस्या, घर से बेघर हम लोग हुए हैं, रहने का जगह नहीं है, ये सड़क पेरा पे रहते किस तरह हम लोग जिंदगी काटते वो ईश्वर जानता है। सड़क पे भी तो देख रहे हैं पानी, बहुत पानी है, बहुत पानी है, जहाँ ऊंचा जगह है उसी जगह रह रहे हैं। सरकारी कोई व्यवस्था? कोई व्यवस्था नहीं है सर। अच्छा, पूर्व में जो मुआवजा की बात कही गई थी आपको मिली क्या?
कुछ नहीं मिला। जहाँ पर बांध टूटा उस जगह का हमारा फोटो भी है, आम आदमी साथ है फोटो है उसका अभी भी मौजूद। मैं अखबार में जो छपा के दिया है वो हमारे पास रखी हुई है, मैं दे सकता हूँ सबूत अगर खोज होते हैं। जी बोल के जाता है कुछ करता कुछ नहीं है। कई वर्षों से हो रहा है सर ये हाल, आज से नहीं तो कई वर्षों से हालात हो रहा है सर। हम लोग क्या कर सकते हैं।